हेलो दोस्तों, आ गया हूँ नए वीडियो के साथ आपके सामने और बहुत अच्छी बात करेंगे आज। एक काफी समय बाद भी आया हूँ दोस्तों। मैं बता दूं आपको कि अभी बहुत ज्यादा मैं व्यस्त चल रहा हूँ। आपने पिछले वीडियो में भी देखा होगा, बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाया था। तो अभी मैं रहा नहीं गया कि मुझे रहा नहीं गया, एक वीडियो देखा था मैंने और रिप्लाई देने के लिए आपके सामने आया हूँ दोस्तों। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, तो आप लोगों से निवेदन है इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अभी जो है आदि पुरुष नाम की जो पिक्चर आई थी, उसका काफी मजाक बनाया है इंडिया में भी और काफी देशों में भी बहुत ज्यादा इसका मजाक बनाया है। क्यों? क्योंकि इसके डायलॉग्स, इसके VFX, इसके जो कैरेक्टर्स जो थे वो कोई भी रामायण से मैच नहीं करते, इसलिए इसको किसी ने पसंद नहीं किया। तो इसी की बौखलाहट में कुछ लोगों ने गलत गलत बयानबाजी कर दी है मूवीज़ को लेकर के। मूवी के जो राइटर हैं मनोज मुंतशिर, इनने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि गलत थी। एक जो न्यूज़ चैनल में इन्होंने आदि पुरुष में हो रहे बवाल को लेकर के जो नेपाल ने एक्शन दिखाया था, क्योंकि जो सीता को भारत की बेटी कहा था, इस वजह से नेपाल ने बैन कर दिया था मूवी और काफ़ी सारी जो हिंदी मूवीज़ को बैन कर दिया था। मतलब एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसी स्थिति नेपाल में हो गई थी। तो इसी को लेकर के बौखलाहट में मनोज मुंतशिर जी ने कुछ ऐसी बातें बयानबाजी कर दी न्यूज़ चैनल में, जिसको लेकर के मुझसे भी रहा नहीं गया और काफ़ी लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं इस प्रकार की बातें क्यों की जाती हैं। तो दोस्तों, थोड़ा आवेश में भी हूँ पर मैं गुस्सा नहीं दिखाऊंगा कि ये मेरी एटीट्यूड में, मेरी सोच में नहीं है, परंतु इस व्यक्ति का जवाब मैं शालीनता से देने की कोशिश करूंगा। तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 1904 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल। तो दोस्तों, इन्होंने कहा कि नेपाल का कोई अस्तित्व ही नहीं था, नेपाल 1904 में भारत से आज़ाद हुआ था और इस प्रकार की बात इन्होंने कही है। तो सबसे पहले मैं इनको बता दूं कि साउथ एशिया में जो सबसे पुराना एंशियंट कंट्री है वो नेपाल है। आपको समझ में नहीं आता तो आप इंटरनेट पे खोज सकते हैं, मनोज जी देख लीजिएगा, और थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करके थोड़ा बहुत होमवर्क भी कर लें, तो होमवर्क करके आप देख लें कि एक्चुअली क्या है एंशियंट। हिसाब से काफ़ी समय से एंशियंट ही, अगर आप डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण और जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, जब अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था तो उस समय कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये रेफरेंस में कहा गया है कि 4 रिप्रेजेंटेटिव को कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, इन्होंने एक सहायक पत्र के साथ नेपाल नरेश को भेजा था और सहयोग मांगने की कोशिश की थी जिससे कि अलेक्जेंडर के आक्रमण को रोका जा सके, और जो कि एक ग्रीक व्यवस्था को भारत उपमहाद्वीप में फैलने से रोकेगा। तो इस टाइप की सोच के साथ जब आप इस प्रकार के कोलेब्रेशन देख सकते हैं कि वो कब, कितने समय पहले की बात थी, अलेक्जेंडर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में नेपाल था। और इससे भी पहले अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो जो महाभारत के समय का समय था, महाभारत का जो काल था जिसमें लगभग 16 महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद में सबसे बड़ा जो जनपद देखा गया है जिसने पूरे जनपद को इकट्ठा करके रखा था वो था कुरु। तो कुरु के राजा थे महाराजा भरत। तो इस समय भी अगर आप देखें तो जो उत्तर में आपके देहरादून से लेकर के और जो आसाम का कामरूप क्षेत्र है कामाख्या मंदिर तक का, जो कि आसाम में पड़ता है, यहाँ तक पूरे किरातियों का शासन था और किरात जो थे वो नेपाल के मूल निवासी हैं। तो ये फैक्ट जाने बिना ये जो मनोज मुंतशिर कैसी कैसी बातें कर देते हैं, इनको समझ में नहीं आता, और ये बोलते कि 1904 में भारत से आज़ाद हुआ, तो ये कहाँ तक सही है ये भी मैं सोच के बहुत हैरान हूँ। ये किस प्रकार के डॉक्यूमेंट पढ़ते हैं और किस प्रकार के नॉलेज लेकर के ये ज्ञान पेलने आ गए लोगों के सामने, ये बहुत
निंदाजनक है बात। ये कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ है जो आप अगर चाहें तो आपको मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो मैं आपको अलग से दिखा भी सकता हूँ, कुछ तो मैंने भी इकट्ठे करके रखे हैं। तो ऐसी बातें करके जो मित्र राष्ट्र है वो भी अपने दुश्मन बन जाए, ये किस प्रकार की एटीट्यूड है? तो दोस्तों मैं आपको एक बताता हूँ कि ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता जो है वो डेवलप हुई है ब्रिटिश काल से ही, जहाँ पे दमनकारी सरकार जो ब्रिटिश की थी वो लोगों को दबा के रखने की कोशिश करते, तो यही मानसिकता के लोग हैं ये। गोरे साहब चले गए और भोले साहब आकर के बैठ गए, तो भोले साहब की संतानें हैं ये, जो एक प्रकार से लोगों को गलत नज़र से देखती हैं, दमनकारी सोच के साथ इनके विचार रहते हैं और जो इनकी कहानियाँ रहती हैं। खैर ये लेखक हैं और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ कि एक लेखक भी इस प्रकार की गलतियाँ कैसे कर सकता है। लेखक के पास तो लिखने का एक अधिकार है, लिखने की कला है और पढ़ने की कला है, तो वो बिना रिसर्च किए कैसे ऐसी बातें बोल सकते हैं। और मनोज मुंतशिर जी को अगर कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं उनको भिजवा दूंगा, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं। मुझे उनके व्यक्तित्व से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु जो जिस प्रकार की जो विचार वो एक मित्र राष्ट्र के प्रति करते हैं, भारत के सिटीजन होने के साथ साथ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की सोच कृपया करके त्याग दें और अपने जो बौद्धिक जो विचारधाराओं के साथ जो आपकी कहानियों के प्लॉट्स होते हैं वो बनाएं, और जो कि एंशंट हिस्ट्री को क्लैश न करे इस प्रकार की इनकी सोच हो, भगवान से मैं यही प्रार्थना करूंगा। तो दोस्तों क्या चाहते हैं आप कि इसको और डेप्थ में बताऊं? अगर आप चाहते हैं कि इसको और डेप्थ में जानना चाहते हैं, एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स और अगर आप डेप्थ में जानना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 लाइक कर दो, तो मैं इसका सेकेंड पार्ट बनाऊँगा और डेप्थ में बताऊँगा कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स क्या हैं और कब से लेकर कब तक नेपाल कब से था और अभी भी है। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या सोचते हैं आप मनोज मुंतशिर के इस वाक्य के बारे में जो इन लोगों ने टीवी चैनल पे कहे हैं? आपको जो भी लगता है आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिख करके मुझे बताएं, और सबसे अच्छे कमेंट को दोस्तों मैं पिन कर दूंगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर फैला दीजिएगा, जिससे जानकारी है ना लोगों तक पहुँचे और लोग अवेयर हों, लोगों को पता चले और इंडिया में ही सही लोगों को पता चले कि इस प्रकार की भ्रांतियाँ भी फैलाने वाले लोग हैं इस संसार में, तो इनसे बचें और भारत और नेपाल की मित्रता और हमेशा अमर रहे, इस प्रकार की कोशिश हम हमेशा करते रहते हैं। तो दोस्तों बस यही आपसे एक सपोर्ट चाहिए। तो दोस्तों फिर मिलूंगा इस प्रकार के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।